अब प्रसंग चल रहा था गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में के बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर्वते वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो सर्वशक्तिमान ही वही पूर्ण परमात्मा है, वही पूजा के योग्य है। ये ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो गोपाल दास जी ने गरीबदास जी के द्वारा बोला गया ये वाणी जो अभी आपने पढ़ा, कबीर वाणी बोध सागर पृष्ठ 136 और 137 पर, इसमें आपने पढ़ा कि बर में वंश हुए उजियारा और तेर में वंश मिटे सकल अंधियारा। अब ये दास जो तेरवा वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बठा बठा दिया। अब तेरहवें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा, इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु है।